निकल एनालिसिस। एज वी वे ऑलरेडी कंटिन्यूइंग विद फंडामेंटल, आज हम लोग टेक्निकल के बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं व्हाट इट इज। देखिए इन्वेस्टर्स, व्हेन वी टॉक अबाउट इन्वेस्टर्स, देयर कुड बी डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स, राइट। इन्वेस्टर्स मे अडॉप्ट टू डिफरेंट अप्रोचेस टू इक्विटी इन्वेस्टमेंट। दे मे बाई स्टॉक्स एट अ सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम एंड सिंपली होल्ड द स्टॉक्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये एक एक इन्वेस्टर ऐसा हो सकता है जो सिंपली कोई स्टॉक को खरीदता है और उसको होल्ड करके रखता है फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, 2 साल 4 साल इस तरीके से, ठीक है, विदाउट रिस्ट्रक्चरिंग देयर पोर्टफोलियो। वो सिंपली एक स्टॉक खरीदा और उसने कुछ सालों के लिए रख दिया, कोई रिस्ट्रक्चरिंग की वहाँ जरूरत नहीं है। सच अ पैसिव अप्रोच टू इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड द बाय एंड होल्ड पॉलिसी। तो इस टाइप के इन्वेस्टर्स को क्या बोलते हैं हम लोग, पैसिव इन्वेस्टर्स, और इनकी पॉलिसी को क्या बोलते हैं, जस्ट बाय एंड होल्ड पॉलिसी, ठीक है। यहाँ पर देखो बाय एंड होल्ड पॉलिसी में कोई भी रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द पोर्टफोलियो इज नॉट डन, नथिंग। अल्टरनेटिवली इन्वेस्टर्स मे अडॉप्ट एन एक्टिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। नाउ एक्टिव वाले जो होते हैं वो डेफिनेटली उनको हम क्या बोलेंगे, एक्टिव इन्वेस्टर्स। नाउ दिस दे कॉन्स्टेंटली इवेल्यूएट देयर होल्डिंग्स एंड रीशफलिंग द स्टॉक्स दे होल्ड। दिस अप्रोच रिक्वायर्स कॉन्स्टेंट इवेल्यूशन ऑफ द मार्केट। इट इज वेल एस्टेब्लिश्ड फैक्ट दैट द स्टॉक मार्केट ऑल्सो पोर्ट्रे साइक्लिकल मूवमेंट्स अकीन टू बिजनेस साइकिल। अब देखो एक्टिव इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, उन लोग हमेशा अपने जो पोर्टफोलियो है पोर्टफोलियो को रिस्ट्रक्चर करते रहते हैं, ठीक है, पोर्टफोलियो को रिस्ट्रक्चर करते रहना। नाउ अभी इन्वेस्टर्स किसी भी तरीके के हों, पैसिव इन्वेस्टर्स हों या एक्टिव इन्वेस्टर्स हों, अल्टीमेटली देयर इज एन इंटर रिलेशनशिप बिटवीन दी एंटायर इकोनॉमिक मूवमेंट, जो हमने पहले पढ़ा है इकोनॉमिक साइकिल किस तरीके से मूव कर रही है, जिसको हम लोग बिजनेस साइकिल बोलते हैं, राइट। और बिजनेस साइकिल के हिसाब से हमारा स्टॉक मार्केट भी मूव कर रहा है, रादर इन्वर्सली अगर बोलो तो स्टॉक मार्केट इज अ लीडिंग इंडिकेटर। तो स्टॉक मार्केट कैसे ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है उसका पूरा इम्पैक्ट हमारे बिजनेस साइकिल के ऊपर होता है, ठीक है, या हमारे पूरे इकोनॉमी की मूव क्या होने वाली है वो हमें अपने स्टॉक मार्केट के मूवमेंट से समझ में आता है। सो नॉर्मली ये देखा गया है कि बिजनेस साइकिल जैसे जैसे ऊपर नीचे हो रहा है उसके हिसाब से हमारा जो स्टॉक मार्केट है वो भी ऊपर नीचे होता है, राइट, ये तो पता है। नाउ एन एक्टिव इन्वेस्टर हु इज एबल टू आइडेंटिफाई द टर्न्स इन द मार्केट would be able to buy at bottoms and sell at peaks and make substantial gains out of cyclical investment. Now, business cycle का concept clear है तुमको? नहीं तो मैं उसको एक बार समझा देती हूँ। एक बार बोल दीजिए। ठीक है। तो देखो, ये business cycle का concept पहले समझो। ये हमारा business cycle इस तरीके का दिखता है। जो हम लोग theoretically पढ़ते हैं, तो business cycle हम लोग ऐसे एक cycle type का दिखता है, जहाँ पे डिफरेंट मूव्स हैं, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये फिर ऐसे आ रहा है, ऐसे एक कर्व ऊपर नीचे हो रहा है ना। इसका मतलब क्या है, ये जो बिजनेस साइकिल है ओवरऑल इसका मतलब क्या होता है? बिजनेस साइकिल रिप्रेजेंट करता है हमारे इकोनॉमी का एक डिफरेंट फेजेस। इकोनॉमी मीन्स इकोनॉमिक सिस्टम क्या है? इकोनॉमिक सिस्टम सिंपली एक सिस्टम जिसको हम लोग बोलते हैं ना अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था रिलेटेड विद इकोनॉमिक। इकोनॉमी में, इकोनॉमिक सिस्टम में ये जो हमारे हैं अल्टीमेटली किस चीज को लेकर हम लोग डील करते हैं? हम लोग मेनली डील करते हैं विद द रिसोर्सेस, रिसोर्सेस का एलोकेशन, रिसोर्सेस का यूटिलाइजेशन, ठीक है। रिसोर्सेस को लेकर ही हम लोग देखते हैं कि रिसोर्सेस का क्या डिमांड है, सीधी सी बात है, रिसोर्सेस का डिमांड कैसे आ रहा है, किस हिसाब से हम लोग प्रोडक्शन में लगा रहे हैं, एलोकेशन कर रहे हैं, उसका यूटिलाइजेशन किस हिसाब से हो रहा है। तो सारी चीजें ये डिपेंड करती है ये रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन के ऊपर। एंड जैसे कल भी मैंने पढ़ाया था ना कि हमारा इकोनॉमिक जो मूवमेंट है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी, तो वो सारी चीजें डिपेंड करते हैं आप रिसोर्स क्या डिमांड हो रही है, कंजम्पशन डिमांड कितना है, उसके हिसाब से प्रोडक्शन क्या हो रही है, उसके हिसाब से रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन क्या हो रही है। तो ये जो बिजनेस साइकिल, देखो ये जो अप्स एंड डाउन्स जो हम लोग देख रहे हैं बिजनेस साइकिल के, ये हमारे इकोनॉमी के, हमारे जो सिस्टम है पूरा इकोनॉमिक सिस्टम, जहाँ पे हम लोग एक्चुअल में रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन का पता चलता है, तो ये डिफरेंट फेजेस को पोर्ट्रे करता है। नाउ बिजनेस साइकिल का ये जो डिफरेंट जो फेजेस दिख रहा है, जैसे ये फेज वन है, फेज टू है, ये इसका कोई डेफिनेट टाइम पीरियड नहीं है कि ये 2 साल के लिए रहेगा, 3 साल के लिए रहेगा, ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर।
हमारे कंट्री की गवर्नमेंट कितनी एफिशिएंट है इन हैंडलिंग द डिफरेंट फेजेस ऑफ द बिजनेस साइकिल. नाउ बिफोर आई कंटिन्यू, मैं इसको पहले समझाऊँ. ये फेज किसको, इस फेज को हम क्या बोलते हैं? इस फेज को हम बोलते हैं ग्रोथ. ठीक है, अब ग्रोथ हम क्यों बोल रहे हैं? देखो यहाँ एक सीधी सी चीज है, ये जो लाइन है ये हमारा ट्रेंड लाइन है. ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेंड लाइन. अभी ट्रेंड लाइन तो आप देख रहे हो ऊपर की तरफ जा रहा है ना. अब ये देखो ये क्या है, ये जो है ये हम लोग बोलते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड द प्राइसेस. अब मैं यहाँ पर एकदम एक एग्जांपल ले रही हूँ एकदम बेसिक से. सपोज यू स्टार्ट एन मतलब एक इकोनॉमी में यहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ, हमारी रिसोर्सेज बिल्कुल खाली थी, कोई यूटिलिटी नहीं थी. तो वी स्टार्ट डिप्लॉइंग रिसोर्सेज, वी स्टार्टेड विद लैंड लेबर कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन. एक प्रोडक्टिव यूनिट हमने डाला. ठीक है, तो जब हम एक प्रोडक्टिव यूनिट डाल रहे हैं, एक प्रोडक्शन जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो प्रोडक्शन में क्या हो रहा है, नेचुरल सी बात है यू आर इम्प्लॉइंग द रिसोर्सेज, रिसोर्सेज इम्प्लॉय होगी इस प्रोडक्शन यूनिट में. अब रिसोर्सेज में क्या आ गया, आपका लैंड लेबर कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, जब प्रोडक्शन हम कर रहे हैं कहीं पर भी तो वहाँ पे एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रही है. एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अगर होगी तो वहाँ के लोगों को जिनको नौकरियाँ मिल रही है डेफिनेटली ये जो प्रोडक्शन हो रहा है बिकेगा, वो सामान कहीं ना कहीं बिकना है. देर वुड बी अ डिमांड एंड मीन्स देर विल बी अ कंजम्पशन डिमांड फॉर इट. एम्प्लॉयमेंट है, पैसे हैं हाथ में, कंजम्पशन डिमांड होगा. अब कंजम्पशन डिमांड होगी तो और ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, और ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो रिसोर्सेज और ज़्यादा यूटिलाइज होगी. तो अल्टीमेटली आप देखोगे कि ये जो यहाँ पर है इस लेवल पे यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज स्टार्टेड इंक्रीजिंग. जब आप प्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हो तो यहाँ से क्या हो रहा है, आपका कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा है क्योंकि प्रोडक्शन हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट हो रहा है, कंजम्पशन हो रहा है, अगेन वी आर डिप्लॉइंग रिसोर्सेज. तो आप देखो ये जो प्राइसेज हैं धीरे धीरे विद द यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज बढ़ने लगती है. तो ओवरऑल इकोनॉमी में देखो एक ग्रोथ आ रहा है, इस लेवल तक देखो ग्रोथ आ रहा है, ग्रोथ आ रहा है. अब यहाँ से हम इन्फ्लेशन बोलेंगे क्योंकि प्राइसेस बढ़ती ही जा रही हैं. ठीक है, इन्फ्लेशन आना शुरू हो जाता है. इन्फ्लेशन मीन्स सिंपल सी बात है ओवरऑल राइज इन प्राइस लेवल. इस सिचुएशन को ही हम बोलते हैं इन्फ्लेशन. नाउ नो डाउट विद द यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, लेट अस टेक एन एग्जांपल. एक सामान मेरे पास एक रिसोर्स है, एक जमीन है. जैसे कोलकाता में आगे जमीन थी, बहुत सारी जमीन कि बहुत सस्ते में मिलती थी. जैसे मैं बता रही हूँ, मैंने ऐसे 8-9 साल पहले भी 25,000 करके भी जमीन थी बेहाला के इंटीरियर में, मैंने खुद खरीदा था. ठीक है, अब वो जमीन क्या हो गई, धीरे धीरे लोग खरीदते गए खरीदते गए खरीदते गए, अभी वो खत्म हो गई, ये रिसोर्सेज खत्म हो गई, देयर इज नो फर्दर रिसोर्सेज. तो जैसे जैसे आप देखो, पहले तो जब मैंने खरीदी थी उस टाइम ये 25,000 की थी. ठीक है, और फिर मैंने एक साल बाद उसको बेच दिया, तो व्हेन आई सोल्ड द प्राइस इंक्रीज टू इट वाज अराउंड 1.5 लाख. 25,000 का जमीन मैंने 1.5 लाख में बेचा ओनली इन अ स्पैन ऑफ 1 or 2 years. ठीक है, तो अब आप देखो ये 25,000 का जो दाम है 1.5 लाख कैसे हो गया. सिंपल सी बात है क्योंकि वो जो लैंड थी वो तो लिमिटेड थी ना, वो लैंड वॉज लिमिटेड, दिस रिसोर्स वॉज लिमिटेड. तो जब रिसोर्सेज बिल्कुल वैकेंट थी तो दाम बिल्कुल कम था, प्राइस बिल्कुल कम थी. बट जैसे जैसे लोग यहाँ पर आने लगे, ये जैसे जैसे चीजें ऑक्यूपाई होने लगी, लोग आके आके प्लॉट खरीदते रहे ना, प्लॉट खरीद रहे, तो दाम बढ़ता गया क्योंकि स्केयरसिटी आ गई ना. अल्टीमेटली हमें एक कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स में पता है कि इट इज ओनली बिकॉज ऑफ स्केयरसिटी दैट इन्फ्लेशन कम्स. आइदर आप उसको कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बोलिए या डिमांड पुल इन्फ्लेशन बोलिए. ये जो इन्फ्लेशन है जिसको हम बोल रहे हैं ओवरऑल राइज इन प्राइस लेवल, दिस विल ऑकर ओनली इफ देयर इज अ स्केयरसिटी. तो ये स्केयरसिटी के कारण ही आपका ये दाम जो बढ़ने वाला है ना कॉन्सेप्ट, वो उसके कारण ही आता है. ठीक है, तो अल्टीमेटली आप देखो यहाँ पर भी वही सिचुएशन हो रही है इकोनॉमी में. जब रिसोर्सेज बिल्कुल जीरो लेवल पे था, यहाँ पे यूटिलाइजेशन नहीं थी, तो क्या था, बिल्कुल जीरो लेवल पे था, प्राइसेस बिल्कुल जीरो थी, ग्रोथ नहीं था क्योंकि लोगों के पास ना एम्प्लॉयमेंट थी ना कंजम्पशन डिमांड था. ऐसा ही था ना, आप इस सिचुएशन में ले लो, इस सिचुएशन में क्या है, या तो ना डिमांड है ना कुछ है, कुछ नहीं है ना इस तरफ में. बट जैसे जैसे हम लोग का बढ़ता गया, जैसे जैसे हम लोग का प्रोडक्शन बढ़ता गया, जैसे जैसे हम लोग इम्प्लॉय कर रहे हैं रिसोर्सेज, वैसे वैसे यूटिलाइजेशन बढ़ रही है, कंजम्पशन डिमांड बढ़ रहा है और प्राइसेस भी बढ़ती जा रही है क्योंकि रिसोर्सेज का भी दाम बढ़ते जा रहे हैं. तो ये फेज जो है, दिस फेज इज कॉल्ड ग्रोथ. इस फेज को हम लोग ग्रोथ बोल रहे हैं. अब इस फेज में यहाँ पर आ जा रहा है इन्फ्लेशन क्योंकि प्राइस थोड़ा ज्यादा ही बढ़ रहा है. तो भी ठीक है, चलो प्राइसेस बढ़ रही है,
बट ये ग्रोथ लेवल तक ज्यादा ठीक है, इसके ऊपर थोड़ा ज्यादा इन्फ्लेशन हो जाता है बिकॉज इट इज राइजिंग टू मोर देन 2-3 पॉइंट्स, मतलब ऐसे पॉइंट जो इन्फ्लेशन के पॉइंट्स बढ़ते जा रहे धीरे धीरे, वो अगर ये ऐसे बढ़ते रहेंगे तो फिर हाइपर इन्फ्लेशन आ जाएगा, फिर इस लेवल पे आ जाएंगे हम लोग, ये इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पीक। तो ये जो पीक पॉइंट है ये एकदम एकदम हाईएस्ट लेवल ऑफ इन्फ्लेशन। अब देखो थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन एज आई सेड कि हम लोग का जो ये लेवल है, ये लेवल तो सही है क्योंकि ये ग्रोथ लेवल है, ग्रोथ लेवल, ग्रोथ तो होना ही चाहिए, ग्रोथ नहीं होने से तो मतलब थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन इज नेचुरल फॉर एन इकोनॉमी क्योंकि वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि ग्रोथ हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट हो रहा है, तो ये लेवल तो ठीक है हमारा। बट अगर आप इस लेवल पे पहुंच जाते हो, आप देखो ये ग्रोथ लेवल तक तो ठीक है, बट अगर आप इस लेवल पे पहुंच गए, ये हाइपर इन्फ्लेशन, फिर यहाँ पर आ गया एकदम पीक गैलोपिंग इन्फ्लेशन समझ लो, तो ये पीक लेवल पे क्या होगा, जब एकदम हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन है इस टाइम में क्या होगा, इस टाइम में हमारी जो सेविंग्स है, जैसे एक पीक लेवल पे क्या होगा, इन्फ्लेशन एकदम हाईएस्ट लेवल है, जो चावल मैं 20 रुपए का खरीदती थी, हो सकता है वो चावल मुझे अभी 100 रुपए में खरीदना पड़े बिकॉज दिस इज द पीक पॉइंट, हाईएस्ट लेवल ऑफ इन्फ्लेशन। तो क्या होगा, जब इतनी ज्यादा प्राइसेस होंगी मेरी सेविंग्स जो है वो बिल्कुल डिक्लाइन हो जाएगी, जब सेविंग्स डिक्लाइन होगी तो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट जो है वो डिक्लाइन होगी, होगी तो इन्वेस्टमेंट टू एनी फाइनेंशियल सिस्टम, आप ले लो बैंक ले लो, NBFC, एनीवेयर, जहां पे भी हम लगाते हैं, तो वो डिक्लाइन हो जाएगी। अब इन्वेस्टमेंट डिक्लाइन होने से अल्टीमेटली आप देखो हमारा प्रोडक्शन डिक्लाइन होगा, प्रोडक्शन से एम्प्लॉयमेंट, कंजम्पशन, अल्टीमेटली देयर विल बी अ रिसेशन फेज। तो यहाँ पर ये रिसेशन आना शुरू हो जाता है इकोनॉमी में, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली वी आर ऑब्जर्विंग दैट नाइदर इन्फ्लेशन, मतलब हाइपर इन्फ्लेशन वाली सिचुएशन, नाइदर रिसेशन, दोनों ही इकोनॉमी में सही नहीं होता। सो एक इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव है कि वो ग्रोथ फेज में रहे, बट हाइपर इन्फ्लेशन या पीक लेवल तो जाने ही ना दे। तो अल्टीमेटली क्या होती है, स्टॉक बोलो, इसको मतलब जब इन्फ्लेशन आ रहा है, मतलब ये ग्रोथ लेवल से ऊपर जा रहा है, ये ग्रोथ लेवल से ऊपर आएगा तो इन्फ्लेशन होगा, तो ये इसका गैप कैसे पता करेंगे, जब प्राइस बढ़ जाएगी तो ही इसका गैप पता करेंगे, मतलब वही एक आइडेंटिफिकेशन है। नहीं देखो प्राइसेस तो, देखो प्राइसेस तो रिफ्लेक्ट मतलब चेंज हो ही रहा है, बट प्राइसेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 0.10 0.20 ऐसा करके एक इंक्रीज हो रहा है। अभी पॉइंट में अगर 5 पॉइंट 10 पॉइंट 20 पॉइंट इंक्रीज हो रहा है तो डेफिनेटली वो बहुत ज्यादा प्राइस, जैसे आप लोग देखते हो ना जब आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हो या स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हो तो वहां पे आप लोग देखते हो ना वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन, तो वॉल्यूम में देखते हो कभी कभी सेल करने के लिए लोग ज्यादा लगाते हैं और बाय के लिए कम लगाते हैं, तो या कभी कभी ऐसा होता है बाई के लिए ज्यादा, मतलब बाई के लिए ज्यादा क्वांटिटी लगी हुई है, सेल के लिए कम, ऐसा भी सिचुएशन होती है। तो इन दिस सिचुएशन जब बाई के लिए क्वांटिटी ज्यादा लगी होगी कि लोग ज्यादा खरीदना चाह रहे हैं, सो ऑटोमेटिकली लोग ज्यादा खरीदना चाह रहे हैं तो खरीदेंगे कहाँ से, हमारा तो QD इज इक्वल्स टू QS, दिस इज अवर इक्विलिब्रियम सिचुएशन की क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल्स टू क्वांटिटी सप्लाइड, ये होना चाहिए हमारा इक्विलिब्रियम सिचुएशन, ठीक है। बट इफ योर डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, तो थ्योरेटिकली आपको क्या है पता है कि डिमांड इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू सप्लाई अगर होगा तो प्राइस तो राइज होनी है, डिसइक्विलिब्रियम हो रहा है, नॉर्मल सी बात है क्योंकि सप्लाई तो बढ़ नहीं रहा है। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो सप्लाई रिमेन्स कॉन्स्टेंट, वो आप इकोनॉमी में ले लो, कैपिटल मार्केट में ले लो, शेयर मार्केट में ले लो, कहीं पर भी ले लो, ओवरऑल जो सप्लाई रिमेन्स फिक्स्ड, सप्लाई नहीं बढ़ रही है। That mean equal, मतलब ये आपका inflation is also related to आपका equilibrium and disequilibrium, मतलब ये supply और आपका मतलब इसको क्या बोलते हैं consumption का पूरा जो आपका demand है इसका अंदर पूरा balance रहेगा तो ही हम लोगों का growth level के अंदर रहेंगे, ये सारा connected है। वो बिल्कुल कनेक्टेड है क्योंकि देखो अल्टीमेटली ये ग्रोथ होना तो अच्छा है, देखो तुम बोलो यहाँ पे भी ग्रोथ हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, बट क्या होता है कभी कभी ये ग्रोथ आप जैसे कंजम्पशन डिमांड, इस लेवल पे मैं बात कर रही हूँ, कंजम्पशन डिमांड बहुत बढ़ती जा रही है, तो कंजम्पशन डिमांड बढ़ती जा रही है इसका मतलब क्या है, प्राइसेस बढ़ती जा रही है, बट कंजम्पशन अब इसका भी ना एक फिसर सप्लाई फंक्शन है, क्या हो जाता है ये जो दाम बढ़ रहा है क्यों होता है, क्योंकि अल्टीमेटली ओवरऑल हमारा एक सप्लाई लिमिटेड है, तो एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम तक हम लोग सप्लाई कर सकते हैं, बट आफ्टर रीचिंग टू दैट लेवल सिंस वी डोंट हैव फर्दर रिसोर्सेज टू सप्लाई वी हैव टू इंक्रीज द प्राइस। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्राइसेस जो इंक्रीज हो रही है दैट इज नॉट ऑफ ग्रोथ, नॉट ड्यू टू ग्रोथ बट ड्यू टू इन्फ्लेशन,
क्योंकि यहाँ शॉर्टेज ऑफ सप्लाई, सप्लाई शॉर्ट हो रही है, इसके कारण इन्फ्लेशन हो रहा है. प्राइस राइजेस जो हो रही है इस लेवल पे, प्राइस राइज हो रही है ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ सप्लाई. शॉर्टेज ऑफ सप्लाई भी है और अननेसेसरी डिमांड भी बोल सकते हैं, अचानक से डिमांड बढ़ गया. नहीं, अननेसेसरी डिमांड की बात नहीं है, डिमांड हो सकता है उतना ही हो. अब जैसे कोई सामान लोग खरीदते जा रहे हैं, रिसोर्सेस को यूटिलाइज करते जा रहे हैं, तो ओवरऑल इकोनॉमी में रिसोर्सेस की कमी हो गई. सारे रिसोर्सेस जो है ना, वो उसका भी एक कैपेसिटी. अब जो रिसोर्सेज रिन्यूएबल है, कुछ नॉन रिन्यूएबल है, तो जो नॉन रिन्यूएबल है वो तो फिक्स्ड है. ऐसा भी है ना इकोनॉमी में, तो बहुत सारे रिसोर्सेज है, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन. अब मैं लैंड की बात कर रही हूँ, तो लैंड रिमेन्स फिक्स्ड, लैंड की क्वांटिटी नहीं है, मतलब वो और नहीं बढ़ सकता, फिक्स्ड है ना वो. जमीन का दाम क्यों बढ़े जा रहे हैं, क्योंकि लोग खरीदे जा रहे हैं, जितना भी हाई प्राइस हो हम खरीद रहे हैं. तो अल्टीमेटली जितना भी हाई प्राइस में आप खरीदते जाओगे, तो पूरा ओवरऑल एक ट्रेंड हो जा रहा है कि दाम बढ़ना ही है ना. जैसे यहाँ, हाँ, तो वही यही कॉन्सेप्ट है बिजनेस साइकिल का. अब बिजनेस यहाँ पे जैसे रिसेशन आ गया, ये अगर कंटिन्यू होता है देन वी विल मूव टू दिस लेवल, जिसको हम लोग बोलते हैं डिप्रेशन. इस लेवल को हम लोग बोलते हैं डिप्रेशन. एंड देन डिप्रेशन के बाद एकदम जो लोअर लेवल है, इस पॉइंट को बोलते हैं ट्रफ, TROUGH. अब इसके ऊपर, अब इसके बाद तो कहीं नीचे नहीं जा सकते इकोनॉमी, तो ये होता है, ये सिचुएशन को बोलते हैं रिकवरी. ठीक है, तो अल्टीमेटली हमने देखा कितने फेजेस हैं, ग्रोथ फेज, इन्फ्लेशन, दिस इज पीक पॉइंट, देन द रिसेशन, डिप्रेशन, देन ट्रफ, एंड देन द रिकवरी. यहाँ पर जो है ना, ये जैसे मैं बात की, इस लेवल पे गवर्नमेंट को बहुत एक्टिव इन्वॉल्व होना पड़ता है इस फेज पे और इस फेज पे. अगर यहाँ पे गवर्नमेंट ने इसको बोलते हैं गवर्नमेंट की स्टेबलाइजेशन पॉलिसी. गवर्नमेंट अगर इकोनॉमी को स्टेबलाइज करती है, स्टेबलाइज करना मतलब क्या, इकोनॉमी में जो वेलोसिटी ऑफ मनी है उसको कंट्रोल करना, कि ना ज्यादा इकोनॉमी में पैसे हो ना कम हो. ज्यादा होगी तो इन्फ्लेशनरी ट्रेंड आएंगी, कम होंगी तो फिर डिफ्लेशनरी ट्रेंड आएंगे. तो दोनों को ही कंट्रोल करना, ये हमारे गवर्नमेंट का काम होता है. गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज है ना, उनका यही काम होता है. ये एक बार मेरे को सारा पॉइंट, मतलब वो जो चार्ट का ग्रोथ, उसके बाद पीक आया. हाँ, ये आया ग्रोथ, फिर इन्फ्लेशन. ये वाला पॉइंट हो गया इन्फ्लेशन, मतलब इस लेवल पे. ठीक है, ये इन्फ्लेशन, फिर ये पीक पॉइंट, फिर ये रिसेशन, देन द डिप्रेशन पॉइंट, एकदम ये ट्रेंड लाइन के नीचे आ गया डिप्रेशन. देन दिस इज द ट्रफ पॉइंट, TROUGH, ट्रफ पॉइंट. फिर यहाँ से ऊपर की तरफ फिर रिकवरी, दिस इज रिकवरी. ठीक है, ठीक है. तो अभी देखो, हमें एक्चुअली ये जो गुड मॉर्निंग, अभी जो हमने ये बिजनेस साइकिल के मूव्स को देखा या समझा, इसमें हमें क्या समझने की जरूरत है. देखो, एन एक्टिव इन्वेस्टर्स जो है, हमारे जितने भी एक्टिव इन्वेस्टर्स रहेंगे, दे विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द टर्न्स इन द मार्केट एंड वुड बी एबल टू बाय एट बॉटम्स लो प्राइसेस एंड सेल एट पीक्स हाई प्राइसेस एंड मेक सब्सटेंशियल गेन्स आउट ऑफ साइक्लिकल इन्वेस्टमेंट. अभी सीधी सी बात है, क्योंकि यहाँ जैसे दाम बढ़ रहा है, तो जो बिजनेस साइकिल के हिसाब से हमारा स्टॉक मार्केट जो, वो भी तो वैसे ही पैटर्न ले रहा है. तो स्टॉक मार्केट भी बढ़ रहा है और ये घट रहा है. तो जो बिजनेस साइकिल के पैटर्न को समझेंगे और उसको रिलेट कर पाएंगे विद द स्टॉक मार्केट मूव्स, तो अल्टीमेटली वो इन्वेस्टर्स डेफिनेटली दे विल बी पॉसिबली इन अ गेन, क्योंकि वो मूव को समझ पा रहे हैं, अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट कर रहे हैं या डाइवेस्टमेंट कर रहे हैं. आइदर यू आर इन्वेस्टिंग और डाइवेस्टिंग, राइट. In practice, however, such gains can be registered only if an investor is able to consistently buy and sell at turning point, and if gains are substantial enough to cover transaction cost and taxes. अब देखो, ये नहीं कि आप just खरीदो और बेचो, क्योंकि आपको जो भी आप trading कर रहे हो, तो as an investor you need to understand the transaction cost and taxes also. This is also significant. This also plays a significant impact on your profitability. Taxes ही बहुत लग जाते हैं. Suppose one assume that an investor who plans his strategy on the basis of his prediction of cyclical trend would be able to take an investment decisions only after 15% price movement from say a peak or trough occurs. Even then he may register substantial gains over the buy and hold strategy. अब देखो, यहाँ पे बता रहा है कि ये जो business cycle के pattern को समझना and accordingly investment strategy लेना, ये काफी important है और मतलब प्रॉफिटेबल भी है, रादर देन योर बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी. क्योंकि बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी में यू माइट गेट पॉसिबल प्रॉफिटेबिलिटी और लॉसेस, दोनों के ही चांसेस हैं. बट जब आप ये बिजनेस साइकिल के पैटर्न को समझते हुए,
इवन 15% मूव ऊपर या नीचे की तरफ हो रहा है तब आपको ठीक से समझ में आ रहा है, ऑलमोस्ट 15% ऊपर या नीचे प्राइस मूवमेंट से समझ में आ रहा है कि हम कितना में बेचें कितना में खरीदें, तो भी बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी से अच्छा रहता है। मतलब एक्चुअली क्या बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी में एक फिक्स्ड हो जाता है उसके लिए बता रहे हैं, और यहाँ पे आप गेन कर ले रहे हो उसके लिए। नाउ लेट अस मूव टू द थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, पूरा एकदम मैं थ्योरी में जा रही हूँ आपके बुक में जो है। कॉन्सेप्ट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस इज द स्टडी ऑफ टेक्निकल कैरेक्टरिस्टिक विच मे बी एक्सपेक्टेड एट मेजर मार्केट टर्निंग पॉइंट्स एंड देयर ऑब्जेक्टिव असेसमेंट। अब देखो यहाँ पर ये क्या बता रहा है टेक्निकल एनालिसिस, ये हम लोग को टेक्निकल कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने में हेल्प करेगा। मतलब मेजर मार्केट्स के जो डिफरेंट टर्निंग पॉइंट्स हैं, हम लोग को पता है कि मार्केट भी तो, हम ओवरऑल अगर मार्केट को भी देखें तो मार्केट के भी तो हम लोग देखें कि चार्ट्स कुछ इस तरीके का रहता है या कभी कभी ऐसे ऊपर की तरफ ही जा रहा रहता है। तो ये डिफरेंट जो टर्निंग पॉइंट्स हैं एक मार्केट के, तो मार्केट को समझने में और साइक्लिकल ट्रेंड्स क्या होगा, देखो दो तीन चीज़ें हमें टेक्निकल एनालिसिस समझा रही हैं। एक हो गई आप ट्रेंड को समझ रहे हो, टेक्निकल एनालिसिस में सबसे पहली चीज़ क्या हो जा रही है, टेक्निकल एनालिसिस आपको सबसे पहले क्या हेल्प कर रही है कि आप मार्केट के मेजर टर्निंग पॉइंट्स को समझिए, ठीक है। ये हो गई सबसे पहली पॉइंट, मेजर टर्निंग पॉइंट्स जो कि हमने बिजनेस साइकिल में जैसे देखा वो उसके हिसाब से, देन उस हिसाब से मीन्स आफ्टर कंसिडरिंग दी मेजर टर्निंग पॉइंट्स यू कैन ऑब्जेक्टिवली असेस दी पैटर्न। ऑब्जेक्टिव असेसमेंट मतलब आप टर्निंग पॉइंट्स को देख रहे हो, समझ रहे हो कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है या नीचे की तरफ जा रही है, तो ऑब्जेक्टिवली आप एक असेसमेंट कर सकते हो कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऊपर जा रही है तो अब मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए उसके संग रिलेटेड। तो अब अकॉर्डिंग टू टेक्निकल एनालिस्ट द साइक्लिकल ट्रेंड विजिबल इन द मूवमेंट ऑफ स्टॉक प्राइसेस इज ड्यू टू द चेंजेस इन द एटीट्यूड ऑफ इन्वेस्टर्स रिफ्लेक्ट्स इन चेंजेस इन डिमांड फॉर एंड द सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी। नॉर्मली देखा गया है कि आप मतलब ये देखा गया है कि जो स्टॉक मार्केट में है या स्टॉक प्राइसेस में देयर इज अ साइक्लिकल टेंडेंसी, एक साइक्लिकल ट्रेंड्स देखा गया है, ठीक है। साइक्लिकल ट्रेंड्स इज विजिबल, या आपने भी देखा होगा कि मार्केट जो है ना वो रिपीट करती है, इट रिपीट इटसेल्फ, ऊपर हुई फिर नीचे हुई फिर ऊपर हुई, ये साइक्लिकल ट्रेंड आता है। तो ये साइक्लिकल ट्रेंड क्यों आता है इन द मूवमेंट ऑफ स्टॉक प्राइसेस, दिस इज ड्यू टू द चेंजेस इन द एटीट्यूड ऑफ इन्वेस्टर। तो इसमें किसका हाथ है, सबसे पहले हो गया एटीट्यूड ऑफ इन्वेस्टर्स, जो इन्वेस्टर्स हैं उनके एटीट्यूड, क्योंकि वो कभी खरीदना चाह रहे हैं कभी बेचना चाह रहे हैं, तो उनके जो एटीट्यूड का जो भी मतलब उनका जो एक साइकोलॉजिकल सेंटिमेंट है वो पूरा रिफ्लेक्ट करता है, एंड मतलब अकॉर्डिंग टू दैट टोटल डिमांड एंड सप्लाई ऑफ सिक्योरिटीज। अब देख लो कि मेरा कैसा सेंटिमेंट है, मैं क्या सोच रही हूँ, उसके हिसाब से डिमांड एंड सप्लाई ऑफ सिक्योरिटीज इज डिपेंडेंट, एंड उस डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से ही प्राइसेस ऊपर नीचे होंगी। The previous turning points are studied with a view to develop some characteristic that would aid identification of major market tops and bottom. It assumes that human reaction in similar situation is by and large consistent and recurrence of a certain characteristics is expected to spur a similar though not identical reaction. अब देखो ये एक ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक है और ह्यूमन रिएक्शन है, ये माना गया है कि जो चीज़ें रिपीट होती है इसको हम लोग री इन्फोर्समेंट बोलते हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में हम लोग इसको री इन्फोर्समेंट बोलते हैं, अब यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस में इसको बोलते हैं रेकरेंस ऑफ सर्टन कैरेक्टरिस्टिक। अगर ऐसा हुआ तो हम ऐसे बिहेव करें, बट इट इज़ नॉट श्योर, ये श्योर नहीं है कि ऐसे ही होगा, ऐसा नहीं भी हो सकता है। टेक्निकल एनालिस्ट हैव डेवलप्ड टूल्स एंड टेक्निक्स टू स्टडी पास्ट पैटर्न एंड प्रेडिक्ट फ्यूचर प्राइसेस। तो अभी आपका एंटायर टेक्निकल एनालिसिस पढ़ने का मेन फंडा क्या है या मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, दैट इज यू शुड अंडरस्टैंड द टूल्स एंड टेक्निक्स। हमें टूल्स एंड टेक्निक्स जो है ये सारी चीज़ें बताता है टेक्निकल एनालिसिस। इससे हम लोग क्या करते हैं, पास्ट ट्रेंड्स को स्टडी करेंगे एंड अकॉर्डिंगली वी विल प्रेडिक्ट द फ्यूचर। तो सिंपली जैसे हम लोग स्टैटिस्टिक्स में करते हैं उसी तरीके से टेक्निकल एनालिसिस में भी करेंगे। The basic assumptions underlying technical analysis are as follow. अब यहाँ पर basic कुछ assumption है, मतलब अगर हम लोग technical analysis को पढ़ें इसके कुछ कुछ basic assumptions हैं। Now what are the basic assumption?
मार्केट वैल्यू इज डिटरमाइंड सोली बाय द इंटरेक्शन ऑफ सप्लाई एंड डिमांड. जैसे हम लोग इकोनॉमिक्स में जानते हैं कि इक्विलिब्रियम एक प्राइस आती है, वैसे यहाँ पे एक मार्केट वैल्यू और मार्केट प्राइस आती है. नाउ मार्केट वैल्यू इज डिटरमाइंड बाय द क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाई. सप्लाई एंड डिमांड आर गवर्न बाय न्यूमरस फैक्टर बोथ रैशनल एंड इरेशनल. नाउ देयर आर इरेशनल एंड रैशनल फैक्टर्स. रैशनल फैक्टर्स विच डिटरमाइंस सप्लाई, मतलब आप पूरी तरह से बोल नहीं सकते कि पूरा रैशनली है. मार्केट के जो मूवमेंट्स हैं वो पूरी तरह से रैशनल है ये नहीं बताया जा सकता. इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज ले आई या कुछ इंडस्ट्रीज के लिए कुछ नए इंडस्ट्रियल पॉलिसी आ गई, बहुत तरह के चीजें हैं. अब कुछ कुछ तो ऐसे इरेशनल भी होते हैं, लॉजिक ही नहीं है उसका कुछ. तो कुछ रैशनल फैक्टर्स हैं और कुछ इरेशनल फैक्टर्स हैं विच विल डिटरमाइन द डिमांड एंड सप्लाई. ठीक है. Ignoring minor fluctuations in the market, stock prices tend to move in trends which persist for an appreciable length of time. अभी आप minor fluctuations को अगर छोड़ दो तो stock prices जो है ना वो normally एक trend में चलती है. ठीक है. मतलब यहाँ पे trend analysis जो है वो बहुत important है, क्योंकि अगर हम लोग major अगर देखें कि एक मार्केट की जो जैसे 2014 के बाद आप पकड़ लो मार्केट ऊपर की तरफ ही चली जा रही है. थोड़ा बहुत नीचे अगर हुआ भी फिर भी वो ऊपर ही ऊपर ऊपर ही ऊपर चले जा रही है. तो आप ट्रेंड को एक पकड़ सकते हो कि ट्रेंड क्या चल रहा है. ठीक है. एक्चुअली ट्रेंड मीन्स परसिस्ट फॉर अ लेंथ ऑफ टाइम, फॉर एटलीस्ट एन अप्रिशिएबल लेंथ ऑफ टाइम मान सकते हैं हम लोग. चेंजेस इन ट्रेंड्स आर कॉज्ड बाय शिफ्ट इन सप्लाई एंड डिमांड. तो ट्रेंड में चेंजेस क्यों आएंगे, सिंपल सी बात है. डिमांड एंड सप्लाई को, डिमांड और सप्लाई में अगर चेंजेस आएंगी तो चेंजेस इन ट्रेंड आर कॉज्ड बाय शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई. अब देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई और एक होती है शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई. चेंज मतलब होता है प्राइसेस ऊपर या नीचे होने के कारण डिमांड और सप्लाई में चेंज होना, और एक होता है शिफ्ट. शिफ्ट जो होता है ना वो शिफ्ट इन डिमांड और शिफ्ट इन सप्लाई, इट इज फॉर एनी रीजन अदर देन प्राइस. इट कुड बी द इनकम लेवल, एडवर्टीजमेंट या गवर्नमेंट पॉलिसीज, मीन्स चेंजेस इन एक्सपेक्टेशंस और मार्केट मूवमेंट के बारे में एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर मूवमेंट्स. सो इट कुड बी एनी थिंग. तो शिफ्ट हो रहा है डिमांड और सप्लाई में. शिफ्ट इन सप्लाई एंड डिमांड नो मैटर वाई दे ऑकर कैन बी डिटेक्टेड सूनर और लेटर इन चार्ट्स ऑफ मार्केट वैल्यू. दैट मीन्स वी कैन एक्सपेक्ट एवरी थिंग फ्रॉम द चार्ट्स ऑफ मार्केट वैल्यू. हम लोग को चार्ट्स तो यहाँ पर देखने को मिल ही जाता है, गूगल में भी देखेंगे अगर तो मार्केट चार्ट या टेक्निकल चार्ट देखोगी तुम लोग भी इन्वेस्टमेंट करोगे तो उसमें दिख ही जाता है टेक्निकल चार्ट, दिखता है ना. नॉर्मली CNBC आवाज वगैरह में देखो तो या जी बिजनेस वगैरह में है ना. टेक्निकल चार्ट एनालिसिस देखते हैं तो वहां से आपको ऑलमोस्ट सब चीजें समझ में आ जाएंगी. ये देखो टाइप्स ऑफ चार्ट्स, अभी जैसे ट्रेंडिंग पीरियड, ऐसे बहुत सारे चार्ट्स हैं. शॉर्ट टर्म व्यू, एकदम शॉर्ट टर्म व्यू दिखा रहा है बिल्कुल. अगर लॉन्ग टर्म होता तो ये थोड़ा सा ऐसे नीचे की तरफ आता. ये देखो इस तरह का देख रहे हैं, ट्रिगर लाइन, पुट, नेक लाइन, ये डिफरेंट टाइप के चार्ट्स हैं. हेड एंड शोल्डर पैटर्न, डबल टॉप पैटर्न, ये डिफरेंट पैटर्न्स हैं जो हम लोग आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे. तो इस तरह का ही होता है हम लोग का चार्ट, है ना. ये डिफरेंट प्राइसेस का चार्ट है, क्लियरली बता रहा है. ये लॉन्ग टर्म व्यू हो गया. लॉन्ग टर्म व्यू में देखो आपको बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं, आपको डिटेल्स बता रहा है. एक वो जैसे मैंने बताया 2014 से आप देखो कंटिन्यू राइज ही है. तो देखो 16 से दिखा रहा है, 16 का ये चार्ट है. तो 16 से देखो कंटिन्यू ऊपर की तरफ ये मार्क है. बीच में हो सकता है शॉर्ट टर्म में ऊपर नीचे हुआ है छोटा मोटा, बट अभी आप लॉन्ग टर्म व्यू देखोगे तो ये एक ओवरऑल राइज ही है ना. क्लियर है. सम चार्ट पैटर्न्स टेंड टू रिपीट देमसेल्फ. अब देखो कुछ चार्ट पैटर्न है जो रिपीट करेगा, कुछ चीजें रिपीट होती है, ऊपर नीचे ऐसे करके रिपीट भी होता है. चार्ट पैटर्न्स रिपीट, मार्केट भी अपने आप को रिपीट करता है. ठीक है. नाउ ये यहाँ पर जैसे हम लोग ने फंडामेंटल एनालिसिस में जैसे कंपनी के फंडामेंटल्स को समझा था, यहाँ पर हम लोग मोस्टली टेक्निकल स्टडीज में हम लोग कि कैसा स्टॉक मार्केट में मेनली ये मूवमेंट है या इसका कैसा एक बिहेवियर है प्राइसेस का,
उसको स्टडी करते हैं। जैसे फंडामेंटल एनालिसिस में हमने क्या किया था, हम लोग स्टडी कर रहे थे, पूरा कंटिन्यू है अभी वो भी, कंपनी के फंडामेंटल्स को स्टडी किया, जैसे प्राइस अर्निंग रेशियो या कंपनी का फंडामेंटल्स कैसा है, कंपनी कितनी स्ट्रांग है, उसके प्राइस अर्निंग रेशियो कैसे हैं, उसके आप ले लो ईपीएस कैसा है, डिविडेंड रेशियो कैसा है, प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, एंटायर थिंग, एसेट लायबिलिटीज, एवरीथिंग, मतलब कंपनी को पूरा स्टडी कर रहे थे। बट यहाँ पे हम लोग उसके स्टॉक के बिहेवियर को स्टडी कर रहे, स्टॉक प्राइसेस को। द सप्लाई एंड डिमांड फॉर अ सिक्योरिटी इज सपोज टू हैव इनकॉर्पोरेटेड नॉट ओनली द फंडामेंटल फैक्टर्स बट ऑल्सो साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल फैक्टर। एक्चुअली ये जो है ना हमारा सप्लाई एंड डिमांड ऑफ सिक्योरिटी, कोई भी सिक्योरिटी ले लो, इसकी जो सप्लाई एंड डिमांड, हम लोग जहाँ पे जब स्टडी कर रहे हैं एज एन इन्वेस्टर तो मार्केट को लेकर स्टडी कर रहे हैं, तो मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू में आप देखोगे कि सिर्फ फंडामेंटल फैक्टर्स मैटर नहीं करता, क्योंकि बहुत लोगों को फंडामेंटल फैक्टर्स पता ही नहीं है। ऐसे भी है ना, बहुत लोगों ने इतनी स्टडीज नहीं की है। आप लोग फाइनेंस स्पेशलाइजेशन पढ़ो, चलो आपको अच्छे से पता है, बट कुछ लोगों को नहीं पता बिल्कुल। तो उन लोगों को, तो उन लोगों का क्या मेनली साइकोलॉजिकल या मतलब जो बिहेवियरल फैक्टर है वो ज़्यादा मैटर करता है। While fundamental analysis is directed towards determining the intrinsic value of security, technical analysis is directed towards predicting the price of a security. देखिए दोनों में कितना basic difference है वो यहाँ पे मैं दिखा दे रही हूँ। Fundamental analysis में हमारा basic motive क्या था? To understand the intrinsic value of a security. ये हमारा main था fundamental analysis में। और टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग कवर कर रहे हैं, कवर करने वाले हैं रादर, टू प्रेडिक्ट, जस्ट टू, यहाँ पे हम लोग प्रेडिक्शन ऑफ फ्यूचर प्राइसेस, इसको हम लोग प्रेडिक्ट करेंगे, ठीक है, ये हो गया। व्हाइल फंडामेंटल एनालिसिस द प्राइस एट विच द बायर एंड सेलर सेटल डील इज कंसिडर्ड टू बी द वन प्रिसाइज फिगर which synthesizes weights and finally expresses all the factors. देखो यहाँ पे हमने देखा fundamental analysis intrinsic value को समझा रहा है, technical analysis prediction को समझा रहा है, but normally एक price जहाँ पे deal settle होती है, जिसमें transaction होता है, that should be a precise figure, जिसमें हमने सारे weights हमने देख लिया कि finally जितने भी factors है, rational हो, irrational हो, quantifiable हो, non-quantifiable, and is the only figures that counts. The spirit of technical analysis can be summed up. The going price as established by the market itself comprehends all the fundamental information which the statistical analysis can hope to learn, plus some which is perhaps secret to him, known only to few insiders, and much else besides of equal or even great importance. यहाँ पे क्या बता रहे? एक बहुत अच्छी चीज बताया है. The spirit of technical analysis can be summed up. मतलब technical analysis को एक अगर brief में आपको sum up करना है, the going price as established by the market itself comprehends. जो going price है, यहाँ पे technical analysis क्या बता रहा है कि जो going price है ना market में, जो price चल रहा है वो automatically comprehend कर रहा है. क्या comprehend कर रहा है? All the fundamental information. यहाँ पे सारी fundamental information जो हमने पढ़ी है वो तो है ही, यहाँ पर ऑल द फंडामेंटल इंफॉर्मेशन आर ऑलरेडी देयर विच द स्टैटिस्टिकल एनालिस्ट कैन होप टू लर्न. तो ये गोइंग प्राइस जो है मार्केट का, वो फंडामेंटल इंफॉर्मेशन को तो कवर कर ही रहा है, प्लस सम विच इज परहैप्स सीक्रेट टू हिम ओनली नोन टू फ्यू इनसाइडर. इसमें कुछ फंडामेंटल इंफॉर्मेशन है जो स्टैटिस्टिशियंस को या स्टैटिस्टिकल एनालिस्ट को पता है, और कुछ चीजें सबको नहीं पता है, and much else besides of equal or even greater importance. मतलब कुछ fundamental information है which is known to all and something else which is not known to all. मतलब ये जो market price है, जो going price है, उसमें ये दोनों चीजें ही आ गई है. तो technical analysis यही चीजों को समझा रहा है कि यहाँ पर fundamental भी है, plus जो बिहेवियरल फैक्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली इट इज द ह्यूमन हु इज बाइंग. कि हम लोग इसको बिहेवियरल फाइनेंस भी बोलते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इट इज द ह्यूमन बीइंग हु इज बाइंग एंड सेलिंग इन द मार्केट. इन्वेस्टर्स क्या है? तो इन्वेस्टर्स के अपने बिहेवियरल लॉजिक हैं, अपने बिहेवियरल थॉट प्रोसेस हैं, वो अलग ही एक सोच रखता है. आप देखो लास्ट ईयर से COVID-19 के टाइम में हम लोग सोच रहे हैं मार्केट कोलैप्स हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पर मार्केट अपने मूव में ऊपर चले जा रहा है मजे से, ठीक है, तो उसको कोई टेंशन नहीं.
तो अल्टीमेटली हमारी अलग सोच है, फंडामेंटल अलग बता रहा है, बट मार्केट अपने हिसाब से मूव कर रहा है. तो टेक्निकल एनालिसिस बता रहा है कि गोइंग प्राइस जो है वो जो चीजें हमें पता है और जो चीजें नहीं पता वो सारे चीजें को कॉम्प्रिहेंड करके मार्केट प्राइस चल रही है. ठीक है. सो आज का जो हमारा सेशन था इट वॉज ओनली अबाउट द इंट्रोडक्शन टू टेक्निकल एनालिसिस. ठीक है, इसके आगे हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे.